एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज योर वीकली हॉरोस्कोप। ये हफ्ता आपका कैसा रहता है, टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक के लिए, और ये रीडिंग आपने अपने मून साइन से देखनी है। आपका वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप में मून कौन से साइन में प्लेस्ड है, उस बेसिस पर ये रीडिंग आपने देखनी और सुननी है। अगर आपको नहीं पता कि आपके वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप में मून कौन से साइन में प्लेस्ड है, देन यू कैन ऑल्सो वॉच दिस रीडिंग एंड लिसन टू दिस रीडिंग जिस साइन से आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, एक कनेक्शन फील करते हो, उस साइन से रीडिंग भी देख सकते हैं। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, मेरी वेबसाइट है, आप वहाँ जाकर अपने लिए रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरी वेबसाइट पर आप एस्ट्रो टैरो रीडिंग देखोगे और नक्षत्रा रीडिंग देखोगे। एस्ट्रो टैरो रीडिंग इज अबाउट योर बर्थ नक्षत्रास, बर्थ हॉरोस्कोप के जो नक्षत्रास हैं वो, और साथ में टैरो स्प्रेड और जो नक्षत्रा कुंडली रीडिंग है। इट्स बेसिकली सीइंग योर चार्ट विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वी सी द नक्षत्रास, द प्लैनेट्स आर प्लेस्ड इन, हाउ थिंग्स आर गोना गो इन योर लाइफ एंड सर्टेन थिंग्स अबाउट योर लाइफ, करियर रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, हॉरोस्कोप मैचिंग, वेदर इट्स अष्टकूट गुंस और इट्स अबाउट द मून प्लेसमेंट ऑफ बोथ बॉय एंड गर्ल और एक्सेट्रा। And there is one more unique reading, I would say, on my website, which is the Navamsha D9 chart reading. It's the reading which is related to your second half of your life, life after marriage, spiritual progress, and even career. Basically, जो भी चीज़ें आपकी second half of your life में हो रही है, जो चीज़ें chart बता रहा है, D9 chart आपका, Navamsha chart, it is like looking at your ninth house of your chart from a magnifying glass. So that's the unique Navamsha reading. You can check these readings out on my website and get to know about these reading. And if you are interested, you can book yourself a reading. And yeah, let's just get started. कि इस week जो है आपके लिए tarot की तरफ से क्या messages आ रहे हैं? We are gonna go from Aries to Pisces. So let's just get started. Hello Aries. So this is your weekly horoscope. ये हफ्ता आपका कैसा रहता है in terms of your job, business, education, basically your career. All right, so we have the 10 of swords here. When it comes to your personal life, love, relationship, basically the personal life, Aries, okay, we have the judgment card here. When it comes to your peace of mind, mental health, stability, happiness, basically health, ये वीक कैसा है? All right, so we have the potion card, which says remember to practice self care. Okay, self love. तो यहाँ पर जो है 10 of swords is saying the end of a situation that brings relief, sadness, or both, the opportunity of new happiness. A weight off your shoulders, the end of an addiction, melodramatic reaction. So यहाँ पर जो है of course career related अगर हम यहाँ कुछ कहना चाहते तो of course this card is saying that first of all you are gonna go out of your comfort zone, you are gonna come out of your comfort zone, you are gonna come out of this shell of yours, जहाँ पर जो आपको comfort feel होता था वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो। एक रिलीफ भी है, सैडनेस भी है, दोनों ही, दोनों तरह के इमोशंस हैं। एक तरह से यू आर लाइक ओके आई एम गोइंग फॉरवर्ड इन माय लाइफ, आई एम मूविंग फॉरवर्ड इन माय लाइफ, चाहे ये जो है मुझे कहीं ना कहीं ये सिचुएशन थोड़ी मुश्किल भी लग सकती है इन फ्यूचर कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गया हूँ, बट मेरे लिए ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर पूरी पूरी है, इस वजह से मैं कंफर्ट जोन से बाहर आया हूँ। अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है और एक तरह से यू आर मूविंग, सम ऑफ यू कैन इवन मूव अवे फ्रॉम योर होम, कैन इवन मूव फार अवे फ्रॉम योर होम लैंड दिस वीक बिकॉज ऑफ योर जॉब, बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन, बिकॉज ऑफ योर करियर, बट येस देर इज दिस एंड ऑफ अ सिचुएशन इन योर लाइफ और ए पीरियड इन योर लाइफ जहाँ पर यू नो यू आर इन अ कम्फर्ट, यू आर विद पेरेंट्स मे बी और समथिंग, बट यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर कम्फर्ट जोन, दैट इज फॉर श्योर इन योर करियर। सम न्यू प्रोजेक्ट कैन कम टूवर्ड्स यू, सम न्यू अपॉर्चुनिटी कैन कम टूवर्ड्स यू जो कि चैलेंजिंग हो सकती है, पर वो अपॉर्चुनिटी आपको कहीं ना कहीं
पर्सनल ग्रोथ दे रही है, इस वजह से आप कहते हो नहीं लेट्स डू इट. सो मोटिवेटेड भी आप यहाँ काफी नजर आ रहे हो. जजमेंट कार्ड हेयर इज शोइंग अबाउट, इट्स सेइंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ. यहाँ पर पर्सनल लाइफ में आस्क योर सेल्फ कि आप जो हो क्या अपनी धुन बना रहे हो या दूसरों की धुन पर नाच रहे हो. यानी कि क्या आप जो हो, किसी ने कुछ कह दिया और उसका जल्दी से बुरा लग जाता है, किसी ने प्रेज कर दी तो बहुत अच्छा लग जाता है. न्यूट्रल यहाँ पर सिचुएशन नहीं नजर आ रही है. जजमेंट कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं न्यूट्रल रहने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर अगर किसी ने बहुत तारीफ कर दी तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो बहुत ज्यादा उदास नहीं होना है. दैट इज द गाइडेंस फॉर यू इन योर पर्सनल लाइफ. क्योंकि ऐसी सिचुएशंस होंगी आपकी इस वीक जहां पर आप एक तरह से अपने इमोशंस का कंट्रोल दूसरे लोगों को दे दोगे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं. और जैसे ही उन्होंने उसका जो क्रिटिसिज्म का रिमोट का बटन दबाया तो आप उदास हो गए, जैसे ही उन्होंने प्रेज का बटन तो आप खुश हो गए. तो ये ऐसी सिचुएशंस होगी, इन सिचुएशंस में आपने न्यूट्रल रहना ही रहना है. दैट्स द गाइडेंस. एंड पोर्शन कार्ड, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव. यहाँ पर जो है इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर नॉट पर्सनल आई शुड से इन योर मेंटल स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, यहाँ पर जो है आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है. आपको सेल्फ काउंसिल करने की जरूरत है, सेल्फ स्टार्ट होने की जरूरत है. कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता अगर आप खुद मोटिवेट होना नहीं चाहते हो तो. ऑलरेडी आप अपने करियर में मोटिवेटेड हो, बट पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप्स में जो है, इवन रोमांटिक रिलेशनशिप और फैमिली रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं थोड़ा न्यूट्रल रहने की यहाँ पर जरूरत है और अपने ऊपर जरूर ध्यान देना है. सेल्फ केयर या सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है कि आप सेल्फिश हो. नो, इट जस्ट दैट आप अपने आप को टाइम देते हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो, जो कि एक अच्छी बात है और वो करना भी आपके लिए जरूरी है. और ये गाइडेंस है कि आपने अपने लिए वक्त जरूर निकालना है, अपने हेल्थ के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए. ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आपके लिए गाइडेंस भी है इस वीक के लिए. ऑल राइट एरीज, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू, दीज वर द मैसेजेस कमिंग फॉर यू दिस वीक. टेक केयर एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो टॉरस, सो दिस इज योर रीडिंग. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, ये कैसा रहता है, बेसिकली द करियर टॉरस. ऑल राइट, सो वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स. व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, आपके लव रिलेशनशिप, आपके रोमांटिक लव रिलेशनशिप, family, siblings, basically the personal life, okay, we have the card 9 of Pentacles. And when it comes to your mental health, stability, happiness, health, ye week kaisa hai. All right, so we have the card Stars. You can manifest your every wish. To yahan par jo hai sabse pehle aapke career ke liye, लविंग, कंपैशनेट, साइकिक, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, डीप साइकिक इनसाइट, केयरिंग फॉर अदर्स बट फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अ डीप लव ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, फॉलो योर हार्ट. तो यहाँ पर ऑफकोर्स बहुत क्लियर सी बात है जो टेरो यहाँ पर गाइड कर रहा है कि दिस इज नॉट ए वीक वेयर यू शुड बी हार्ड ऑन योर सेल्फ. ये वीक है जहां पर आप वो काम करो जो आपको खुशी देता है. ये वो वीक नहीं है जहां आप अपने मन के साथ जबरदस्ती कर सकते हो और कह सकते हो कि नहीं नहीं ये तो करना ही पड़ेगा. नो, ऑफकोर्स सिचुएशंस हमारी लाइफ में हमेशा ही अच्छी नहीं होती, बट यहां पर इन दिस वीक सिचुएशंस आपके करियर में आपके अकॉर्डिंग होंगी, तभी कहीं ना कहीं आपको करियर में, अपने एजुकेशन में या जॉब में थोड़ी सी थोड़ा एक सांस लेने का टाइम मिला है जहां पर आप अपने मन की कर सकते हो थोड़ी. तो इस वीक थोड़ा अपने आप पर इजी रहो इन योर करियर, इतना ज्यादा स्ट्रेस मत डालो अपनी एजुकेशन पर, अपने प्रोजेक्ट्स पर. धीरे धीरे जो होता है, मतलब टाइम अकॉर्डिंग जितना भी आप कर पाते हो उतना कर लो. इस वीक आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. जब भी आप कंफ्यूज होते हो, जब बुद्धि नहीं काम करती, तो इंट्यूशन आपको जरूर गाइड करेगी और आपको सही डिसीजन में, सही डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगी. और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो भी आप काम करोगे इस वीक इन योर करियर, यू आर गोना फील क्वाइट हैप्पी, यू आर गोना फील दैट यस आई एम डूइंग समथिंग जिसमें मुझे मजा आता है.
और कहीं ना कहीं आप हॉबी जो हो उसके अंदर भी हॉबी क्लास ज्वाइन करो, या यहाँ पर भी जो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स जो आपकी पर्सनल लाइफ एक तरह से फैमिली लाइफ दिखा रहा है, यहाँ पर भी आप अपने घर में रिलैक्स कर रहे हो, कोई बुक रीड कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप जो हो अपनी खुशी के लिए करते हुए नजर आ रहे हो। और यहाँ पर स्टार कास्ट में भी यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश यहाँ पर आया हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट करे यू कैन मैनिफेस्ट योर ईच एंड एवरी विश, जो आप चाहते हो आप वैसा कर सकते हो इन रियलिटी। और ये वाला वीक आपका काफी अच्छा ही जाने वाला है टॉरस, बिकॉज दिस वीक आई फील दैट यू आर क्वाइट रिलैक्स्ड, काम, कंपोज्ड, एंड कहीं ना कहीं शायद आप एफर्ट कर चुके हो अपने पिछले वीक्स में कि इस वीक जो है आपका रिलैक्सेशन वाला जाएगा, रिलैक्स करने का मन करेगा और टाइम भी होगा रिलैक्स करने का, एंड यू आर इन अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पर स्ट्रेस नहीं आ रहा है और आप खुश यहाँ पर नजर आ रहे हो। इन योर लाइक पीस ऑफ माइंड की भी अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स आप चाहते हो कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, पर वो जो रेस्टलेसनेस है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। सो ओवरऑल ये वीक काफी अच्छा जाने वाला है। गाइडेंस सिर्फ इतनी है कि पॉजिटिव रहना है, कोरोना पॉजिटिव नहीं, ऐसे माइंड से पॉजिटिव रहना है और आपकी हर एक विश जो है यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। और गाइडेंस आपके लिए सिर्फ इतनी है, पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, एंड दैट्स इट। ये वीक काफी अच्छा है आपके लिए टॉरस। ऑलराइट, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, दीज वर द मैसेजेस कमिंग फॉर यू टॉरस फॉर दिस वीक। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो जेमिनी, सो दिस इज योर रीडिंग। आपका जो ये वीक है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, ये कैसा रहने वाला है? ओके, वी हैव द फाइव ऑफ वॉन्ट्स हियर। व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली लाइफ, इवन रोमांटिक लव रिलेशनशिप, ये वीक कैसा? ओके, वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स हियर। व्हेन इट कम्स टू योर पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, हैप्पीनेस, फिजिकल हेल्थ, ये वीक कैसा है? ऑलराइट, सो वी हैव द 11 नंबर विच सेज सन, पेंट द सन बैक इन टू योर स्काई। काफी पॉजिटिव है माइंड जो है, ऑप्टिमिस्टिक यहाँ नजर आ रहा है। ऑल दो करियर में जो है ऑप्टिमिस्टिक रहना भी बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है इस वीक, क्योंकि ऑब्स्टिकल फेस करने पड़ सकते हैं, कॉम्पिटिशन, एनिमीज को फेस करना पड़ सकता है। काफी यहाँ कॉम्पिटिशन और ऑपोजिशन नजर आ रही है। इट सेज कंफ्लिक्ट्स विद अदर्स कॉज्ड बाय अपोजिंग ओपिनियंस, वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा अनलेस द सिचुएशन इज रियली वर्थ योर टाइम, देन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, वेरी एम्बिशियस पीपल। तो यहाँ पर करियर वाइज अगर हम देखें इस वीक आपके लिए जेमिनी, तो कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड लोगों की आपकी लाइफ में थोड़ी कमी हो गई है। कहीं ना कहीं जो चीज आप करना चाहते हो दूसरा पर्सन नहीं करना चाहता है, जो चीज आपको अच्छी लगती है शायद वो दूसरे को नहीं अच्छी लग रही है और वो उसको अपोज करे, उसको कहे नहीं नहीं ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, आपको ऐसी सलाह मिले, वेयर एज आप वो काम करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी ऑप्टिमिज्म की जरूरत भी है और आप हो भी ऑप्टिमिस्टिक, एक तरह से आप हो भी गाइडेंस भी और आप हो भी ऑलरेडी, यू आर काइंड ऑफ फोकस, यू आर काइंड ऑफ इन दैट पॉजिटिव माइंडसेट, जो कि आपको ऑफकोर्स अपनी लाइफ में आगे जरूर लेकर जाएगा। एट ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर इज रिप्रेजेंटिंग कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर या आपके जो करियर रिलेटेड जॉब ऑब्स्टिकल फेस करने वाले हो इस वीक उसको लेकर थोड़ा सपोर्ट शायद ना करें, बट यहाँ पर होप की बर्ड भी है, देर इज द लिटिल बर्डी ऑफ होप विच इज सेइंग दैट देयर इज गोइंग टू बी दिस पॉजिटिव चेंज कमिंग इन योर लाइफ सून, जस्ट बी होपफुल। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक पर्सन तो आपकी लाइफ में ऐसा जरूर होगा जो आपकी साइड लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपके ब्रदर भी हो सकते हैं, वेरी फील दैट इट्स अ मेल, बट ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो फीमेल भी हो सकती है जो आपका हमेशा सपोर्ट करती रहे, आपकी मदर हो सकती है, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, बट कोई ना कोई आपको सपोर्ट जरूर करता रहेगा इस टाइम पीरियड पर भी। तो यहाँ पर जो है आपका सपोर्ट हमेशा मिलेगा, पर ज्यादातर जो है इस वीक आपके लिए थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, नॉट थोड़े पर ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पर पेंट द सन बैक इन योर स्काई, यहाँ सन कार्ड एक तरह से आपको एक होप दे रहा है, ऑप्टिमिज्म दे रहा है कि यू नो व्हाट, बी होपफुल, वक्त बदलेगा, और कहते भी हैं वक्त वक्त की बात है,
ये वक्त भी बीत जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स नजर आ रहे हैं और थोड़ा साथ इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा, बट देयर इज वन पर्सन हु इज ऑलवेज गोइंग टू बी विद यू नो मैटर व्हाट। वो पर्सन अभी भी आपके साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव रहने की जरूरत है, खुश रहने की जरूरत है, होपफुल रहने की जरूरत है, इसकी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है और आप होपफुल हो। You are already hopeful, बस इस होप को बनाए रखना है और लड़ना नहीं है दूसरे लोगों से। समझाओ कि मुझे ये चीज करनी है, वाई आई फील दिस इज राइट, टेल देम कि मैं क्यों फील करता हूँ ऐसा और तुम्हें भी क्यों ये ऐसा सोचना चाहिए। तो वो चीज उनको समझाओ। पेशेंस की यहाँ पर जरूरत है, पेशेंस से डील करना है, गुस्से से लड़ने से नहीं डील करना, इससे कुछ नहीं हासिल होता है। सो ज़्यादा चिल्ला के, जोर जोर से बोल के कोई सही या गलत नहीं हो जाता है। आपने अपना पॉइंट बड़े पोलाइटली रखना है और आप एक तरह से दूसरों को इन फ्यूचर गाइड भी करोगे। यू विल बिकम द सन इन फ्यूचर, जो सभी को लाइट देता है, और जब लाइट से जो है अंधेरा मिटता है, और लाइट जो होती है ज्ञान भी होता है, नॉलेज को भी हम लाइट कहते हैं। तो वो जो डार्कनेस है, अंधकार है, जहाँ पर नॉलेज नहीं है, वहाँ पर आप नॉलेज की लाइट डालोगे और लोगों को पता लगेगा कि नहीं, आप जो हो सही कह रहे हो, थोड़ा डिफरेंट है आपका वे चीज़ें करने का, पर आप सही हो। ये धीरे धीरे उन्हें समझ आएगा जेमिनाय। ऑलराइट, यू जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, दैट्स इट, दैट्स द गाइडेंस हियर। बाकी आपको सब पता ही है। Alright, Gemini, so this was the reading and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Cancer, so this is your reading. Aapka jo week hai in terms of your career, okay, and your education and everything, business. So we have the Lovers card here. When it comes to your romantic love relationship or even family, personal life, ye week kaisa hai? Alright, so we have the Nine of Cups here. When it comes to your peace of mind, when it comes to your health, mental health, stability, happiness, physical health, ye week kaisa hai? Okay, we have the homeward. So first of all, yahan par lovers card hai. Embrace true love and deep intimate friendships, make choices from the heart, vibrant health or recovery from an illness. So yahan par jo hai, the lovers card is like following your passion. Simply it means that you are going to follow your passion no matter what. Kahin na kahin yahan par jo hai, ya to bahut hi man lagega aapka aapke career mein, aapke education mein, aapke work mein, aapke job mein, ya fir aapka man karega ki main kuch aur hi karta hu. I want to do something really different, something jisse mera man khush hota hai, jiske liye main passionate hu. To ऑफ कोर्स दिस इज अ जनरल रीडिंग, बट द लवर्स कार्ड शोज की या तो बहुत पैशनेट होने वाले अपने करियर के लिए कैंसर, या फिर आप जो हो बिल्कुल ही कोई न्यू डायरेक्शन चूज कर सकते हो, और वो डायरेक्शन चूज करोगे जिसमें आपको सबसे ज्यादा पैशन फील हो, जो चीज आप करना चाहते हो असल में। ये नहीं कि पेरेंट्स ने कहा था, ये नहीं कि सिबलिंग ने कहा था, नो, आप वो काम करोगे इस वीक कैंसर जो आपको खुशी देता है। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो आपको खुशी देता है, तो आप उसके अंदर और मन लगाकर लगन से वो काम जो हो वो करोगे। और अगर आपका वो काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता जो आप करते आए हो, तो कोई न्यू डायरेक्शन में आप जा सकते हो इस वीक। कोई न्यू आइडिया आपको आ सकता है आपके मन में कि आपको ये करना चाहिए इन योर करियर, कोई न्यू प्रोजेक्ट, न्यू कोई न्यू चीज जो है फिर आप फॉलो करोगे। एंड यू आर ओनली गोना फॉलो योर हार्ट, गोना फॉलो योर पैशन। यहां पर नाइन ऑफ कप्स है जो कि शो कर रहा है आपकी पर्सनल लाइफ को। कहीं ना कहीं अगर आपकी पहले किसी से लड़ाई हो गई थी, तो इस वीक अगर आप ये सोचते हो कि वो लड़ाई जो है वो रिजॉल्व हो चुकी है या हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, आपको चीजें फिर से बिगड़ सकती है अगर आपने ध्यान नहीं रखा। मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस है यहाँ पर, सो मिसकम्युनिकेशन या जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसको अवॉइड करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। दैट एंड द की इज टू कम्युनिकेट, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू कम्युनिकेट। यहाँ पर अगर आप ये सोचते हो कि नहीं नहीं सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, वो पर्सन जो है बिल्कुल ठीक है, हमारा रिलेशन बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं अभी भी जो है उस रिलेशनशिप में एक वो बस कुछ ना कुछ है, अभी भी कुछ ना कुछ पार्ट अभी भी थोड़ा सा रह गया है जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लियर करने की जरूरत है। दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू रेस्ट, दिस इज द टाइम टू क्लियर दैट मिसअंडरस्टैंडिंग। सो
इस चीज पर भी फोकस करना है। यहाँ पर होमवर्ड है, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। इट इज सेइंग कि यहाँ पर सेल्फ केयर की जरूरत है कहीं ना कहीं। यहाँ पर अगर आप शाम को इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग आप जो हो अपने लिए ग्रीन टी बनाओ या फिर अपने आप को जो हो खुश रखने की कोशिश करो ग्रीन टी बना के, आराम से बैठ के नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना हमेशा हमारी माइंड को रिलैक्स करता है नो मैटर वॉट। सो ये चीज, इस चीज पर ध्यान आपने देना है। इट इज लाइक अ पर्सनल केयर फॉर यू स्पेशली फॉर दिस वीक। एक हम हमेशा जो है दूसरों के साथ कहीं घूमने जाते हैं या फिर दूसरों के साथ पार्क में जाते हैं, दूसरों के साथ बातें करते हैं। नो, दिस वीक यू रियली नीड टू स्पेंड टाइम विद योर ओन सेल्फ, बिकॉज यहाँ पर गाइडेंस ये है कि एक जो पीस ऑफ माइंड है वो आपको सिर्फ अकेले में आएगा। एक पर्सन मतलब आप ही उसमें एक एरिया में एक जगह पर बैठो और अकेले उस सीनरी को नेचर को इंजॉय करने की कोशिश करो। दो लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अकेले बहुत हो और आप अकेले भी नहीं हो, नेचर आपके साथ है। और यहाँ पर जो है सेल्फ केयर की काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरत नजर आ रही है। आप हमेशा पीपल प्लीजिंग नहीं कर सकते हो, आपको जो है अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए, इसकी गाइडेंस आ रही है। और यहाँ पर पीस ऑफ माइंड भी जो है आपको फील होगा ही होगा जब आप थोड़ा नेचर के करीब बैठोगे, इसकी गाइडेंस है। ऑलराइट डियर, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, दीज वर द मैसेजेस कमिंग फॉर यू कैंसर, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो लियो, सो दिस इज योर रीडिंग। आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, एजुकेशन, बेसिकली करियर, ये कैसा है? ओके, वी हैव सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स हियर। व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, आपके पेरेंट्स के साथ वो रिलेशनशिप्स है या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप, सिबलिंग, पर्सनल लाइफ कैसी है? ओके, वी हैव द टेम्परेंस। व्हेन इट कम्स टू योर, यू कैन से हेल्थ, हैप्पीनेस, फिजिकल हेल्थ, ये वीक के लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंफॉर्मेशन है? ओके, वी हैव नंबर 38, विलन, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। सो यहाँ पर जो है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, इट इज सेइंग अ लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड और पर्सनल फ्रीडम, टेक कॉशन एंड बी अवेयर ऑफ अदर्स एक्शंस, मटीरियल लॉस, मेक श्योर यू आर बींग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, embarrassing secrets। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है when you are in a job kind of situation, you are sitting with your colleagues and everyone else on lunch, in lunch time and you're talking, so somehow कुछ embarrassing चीज़ें जो है वो निकल के बाहर आ सकती है एक दूसरे के बारे में, especially आपके बारे में, और वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। और दूसरी यहाँ पर ये है कहीं ना कहीं अगर आप अपने करियर में खुश नहीं हो तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए इस बारे में। इस चीज़ को आप इग्नोर मत करो क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो है आपको परेशान कर सकती है। अगर आपको लगता है कि मुझे ये जॉब जो है ये चीज़ सूट नहीं करी है, मैं इससे कुछ बेटर कर सकता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ करो, उसको प्लान करो। स्पेशली प्लान करने की, स्ट्रैटेजाइज करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है, अदरवाइज यू आर गोना रिग्रेट इट लेटर। सो इट्स बेटर टू टेक एक्शन राइट नाउ। यहाँ पर पीस ऑफ माइंड इस वजह से लूज होता है कि हम जो है वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जो हमारा मन कह रहा है। कई बार हमें मन को मारना पड़ता है क्योंकि मन बच्चा हो तो कुछ भी कहता रहता है, प्रैक्टिकल लाइफ भी तो एक चीज़ है। पर यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स इज सेइंग कि यहाँ अब जो है मन की थोड़ी सुननी पड़ेगी, यहाँ पर मन को मार के काम नहीं हो रहा है। सो इट्स द टाइम फॉर यू टू इवन टेक अ ब्रेक। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड भी वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है जो पर्सनल लाइफ है आपकी, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, आपके लव्ड वन, रोमांटिक पार्टनर्स, ये कह सकते हैं दैट यू आर रियली ओवरवर्क्ड। आपको जो है थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, आपको जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है आप अपने काम में बिजी हो जाते हो कि टाइम नहीं देते हो, कहीं ना कहीं बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आपके लव्ड वंस आपसे ये कहते रहते हैं और दिस इज़ द टाइम पीरियड वेयर यू शुड एक्चुअली वर्क ऑन योर लाइफ। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है लियो इस वीक स्पेशली, और ये अभी का नहीं है, ये चीज़ अभी नहीं हुई है, ये काफ़ी टाइम से हो रही है।
तभी इस वीक जो है ये हाईलाइट होकर आ रही है, वो जो इम्बैलेंस है लाइफ का वो हाईलाइट होकर आ रहा है कि आप जो हो ना तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो हो ज्यादा खुश नजर आ रहे हो और ना ही पर्सनल लाइफ में एक कंटेंट और एक पीस महसूस कर रहे हो। तो यहाँ पर बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर अपना रूटीन सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम कहते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, पर हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं, पर फर्क ये है कि शायद आप जो हो उन 24 घंटों को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। इस वीक आपके लिए आपके पास एक गाइडेंस भी है विलन कार्ड में, यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी, यू कैन री राइट योर ओन स्टोरी। यू आपके मतलब हाथ में हर चीज है, इट्स इन योर हैंड। प्रेजेंट जो है हमारा प्रेजेंट कर्मा जो है वो हमारे हाथ में है ना। तो आपने अपना रूटीन फर्स्ट ऑफ ऑल सेट करना है कि इस टाइम पर मुझे उठना है, इस टाइम पर ही मुझे सोना है, इस टाइम पर ये काम करना है, इस टाइम पर ये काम करना है, इस टाइम पर रेस्ट करना है, इस टाइम पर मजा करना है, मजाक मस्ती करनी है, और इस टाइम पर पढ़ना है, और इस टाइम पर जो है काम करना है। उस चीज को सेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है आप को लियो, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है और यही आपके पेरेंट्स, यही आपके जो है सिबलिंग, यही आपके लव्ड और आई शुड से रोमांटिक पार्टनर कह सकते हैं कि आप बैलेंस करो अपनी लाइफ को और वक्त दो हमें भी, और खुद भी खुश रहोगे और काम भी अच्छा कर पाओगे। तो इसकी गाइडेंस है आपको कि आप अपनी जो है लाइफ की स्टोरी रीराइट करो, अपना स्केड्यूल जो है फिर से बनाओ, थोड़ा रिन्यू करने का टाइम आ चुका है। All right, Leo, so this was the reading. These were the messages coming for you for this week, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Virgo, so this is your reading. Aapka jo week hai in terms of your job, business, education, basically your career, ye kaisa rehta hai? Okay, we have Page of Wands here. When it comes to your personal life, family, रोमांटिक लव रिलेशनशिप, ये वीक कैसा रहने वाला है? ओके, वी हैव द फाइव ऑफ वॉन्ड्स हियर। व्हेन इट कम्स टू योर पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, हैप्पीनेस, योर फिजिकल हेल्थ, यहाँ के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, वी हैव द ट्री कार्ड विच सेज लेट देम गो। सो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल Page of Wands is saying enthusiastic, optimistic, creative, impatient, news of exciting opportunities, allowing your creativity to soar, do things that fuel your passions, finish what you start. See, जो page की energy होती है, especially Wands का जो page है, it's the energy की चलो करते हैं, let's do it now, कल नहीं अभी करते हैं, ओवर enthusiastic होना और impatient होना, चलो 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 अभी करते हैं, ये एनर्जी। तो अपने करियर को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर कहीं ना कहीं आप जो हो वर्गो काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी कर सकते हो, और कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स भी एक तरह से आप दे सकते हो, किसी को सबमिट कर सकते हो, और कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू आ सकता है। मेक श्योर जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उसको एक बार रीचेक जरूर कर लेना, दैट्स द गाइडेंस हियर। और जो भी काम शुरू कर रहे हो उसको खत्म जरूर करना है, क्योंकि यहाँ आप 10 चीजें शुरू कर सकते हो और उनमें से सिर्फ 3 खत्म कर पाओ। तो यहाँ आपने अपने मतलब ऑफकोर्स यू आर ऑप्टिमिस्टिक, यू आर एंथुजियास्टिक, क्रिएटिव भी हो, सब कुछ है, बस अपना जो वर्क है उसको डिटेल ओरिएंटेशन से करना, ऊपर ऊपर से नहीं, मन लगाकर कंप्लीट करना उसको, डिटेल वर्क पर जरूर जाना, क्योंकि जब आप डिटेल्स में जाओगे तब आपको दिख सकते कि अरे यहाँ पर गलती रह गई, और अगर उसको आप सबमिट कर देते तो शायद आपकी रेपुटेशन डाउन हो सकती थी, आपको कम मार्क्स मिल सकते थे। तो मेक श्योर जब भी आप कोई चीज़ इस वीक सबमिट करो तो एक बार रीचेक जरूर करना। और यहाँ पर आप वही काम करते हो नजर आ रहे हो जिसके लिए आप पैशनेट हो, तभी तो आप जल्दी जल्दी करना चाहते हो, काम अकम्प्लिश करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो कुछ अपने पैशन से रिलेटेड, सो वो चीज़ नज़र आ रही है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स हेयर इज रिप्रेजेंटिंग कहीं ना कहीं फैमिली, कहीं ना कहीं जो रोमांटिक रिलेशन है या सिबलिंग्स हैं उनसे थोड़ी लड़ाई होती हुई नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं वो कुछ चाहते हैं, आप कुछ चाहते हो, आपको लगता है आप ठीक हो, उनको लगता है कि वो ठीक हैं। तो यहाँ पर जो है सिंपली इट इज़ सेइंग कि यहाँ पर
आपको थोड़ा स्टेप बैक करने की जरूरत है। जैसे ही आप थोड़ा अपना कदम पीछे लेते हो तो आप देखते हो कि आपके अराउंड जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी सुनने लगे। कुछ आप उनकी सुनो, कुछ वो आपकी सुनेंगे। 50% अपनी चलाओ, 50% वो चलाएंगे। आप ये नहीं कह सकते सिर्फ मेरी ही मेरी सुनो। ये फैमिली नहीं होती है, फैमिली में थोड़ा झुकना भी पड़ता है, रिलेशंस में थोड़ा झुकना भी पड़ता है। तो यहाँ पर इस वीक आपके लिए ऐसी सिचुएशन आ सकती है वर्गो, जहां पर आप जो हो थोड़ा कंफ्लिक्ट्स में आ जाओ अपने पेरेंट्स अपने सिबलिंग्स के साथ। बस गाइडेंस आपके लिए ये है कि जो आप चाहते हो वो 50% वो उस चीज को आगे रखो, कुछ आप अपनी करो, कुछ उनको अपनी करने दो। ये गाइडेंस है। यहाँ पर ट्री कार्ड लेट देम गो आपके लिए गाइडेंस ये है कि कई बार कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनको लेट गो करना जरूरी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लेट गो करना जरूरी होता है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो। और अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे इतने टाइम से अपने रोमांटिक पार्टनर से, देन दिस इज द टाइम, दिस इज द वीक वेयर यू एक्चुअली आर गोना मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ इमोशनली साइकोलॉजिकली। सो ये वीक एक तरह से एक फ्रेश स्टार्ट भी हो सकता है इमोशनली साइकोलॉजिकली, बिकॉज नाउ यू आर लेटिंग देम गो। और कहीं ना कहीं बस यू आर लाइक नाउ दैट्स इट, अब तो मुझे लेट गो करना ही करना है। एक मन में आपने ठान भी ली है और कहीं ना कहीं आप अपने पैशन को लेकर अपने वर्क को लेकर बिजी भी नजर आ रहे हो, फैमिली में भी काफी बिजी नजर आ रहे हो। कन्फ्लिक्ट्स हैं, माना कन्फ्लिक्ट्स हैं, बट साथ में गाइडेंस भी है। 50% उनकी मानो, 50 अपनी करो, दैट्स इट। और लेट गो करने की यहाँ पर ज़रूरत है कुछ ऐसे रिलेशन से जो टॉक्सिक थे। दिस इज़ द टाइम टू लेट गो, एंड दिस इज़ ऑल्सो द टाइम वेयर यू शुड लेट गो योर बैड हैबिट्स, क्योंकि वो भी हमारे लिए इविल हैं। उनको भी जो है अपने रास्ते से हटाना ज़रूरी है। उनको भी जो बैड हैबिट्स हैं उनको भी लेट गो करने की यहाँ पर ज़रूरत है। इसकी गाइडेंस है आपके लिए वर्गो इस वीक, स्पेशली इस वीक। Alright, so this was the information coming for you and guidance coming for you for this week, Virgo, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Libra, so this is your reading. Aapka jo week hai in terms of your job, in terms of your business, in terms of your basically career, education, kaisa rehne wala hai. Alright, so we have 4 of Wands. When it comes to your personal life, लव रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, ये वीक कैसा रहेगा लीब्रा के लिए? सो वी हैव द 4 of Pentacles. व्हेन इट कम्स टू योर मेंटल हेल्थ, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, यहाँ आपके लिए क्या गाइडेंस है हेल्थ को लेकर या पीस ऑफ माइंड को लेकर? ओके, वी हैव द कासल। इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। तो यहाँ पर 4 of Wands, इट्स लाइक अ मैरिज कार्ड, इट्स द मंडप। बट ये करियर के लिए आए तो पहले ये देखते हैं कि कार्ड क्या है, क्या रहा है। सो मच टू सेलिब्रेट, सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन एंड द एंजल्स फॉर द पीस एंड प्रोस्पैरिटी कमिंग टू यू, पीस एंड कंटेंटमेंट इन योर पर्सनल लाइफ। तो यहाँ पर जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, उनके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिलेशन अच्छा रहने वाला है। उनके साथ आपका रिलेशन जो है अच्छा ही रहेगा, लड़ाई नहीं होगी, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे। और एक तरह से जो भी आपका यू नो ऑफिस का एनवायरनमेंट है, काफ़ी पॉजिटिव हैप्पी रहेगा। कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग खुश हैं आपके ऑफिस में, कोई डील लगता है फाइनल हुई है, स्ट्रेस कम हुआ है, ओवरऑल जो वर्क है काफ़ी एक हैप्पी गो लकी माहौल चलेगा। आपकी एजुकेशन में भी जो है काफ़ी आप इजीली चीज़ें लर्न कर लोगे और कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा जोर नहीं आ रहा है, तो एक अच्छा ही वक्त आपके लिए नज़र आ रहा है इन योर करियर लीब्रा। एंड व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप, 4 of Pentacles is showing कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग, आपके लव्ड वन कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं बस जा रहे हैं, मतलब आपसे दूर जा रहे हैं, फिजिकली दूर जा रहे हैं, और आप चाहते हो कि वो ना जाएं या फिर आप भी उनके साथ जाना चाहते हो बट कहीं ना कहीं जा नहीं पा रहे हो उनके साथ। तो एक डिस्टेंस यहाँ पर नजर आ रहा है, आप उनको छोड़ना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर वो चले गए तो फिर मैं अकेला पड़ जाऊंगा। कहीं ना कहीं ये इमोशनल डिपेंडेंसी यहाँ पर नजर आ रही है। गाइडेंस यहाँ पर है कि इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। कई बार हम कहते हैं नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नो डोंट गो, उनको जाने दो, आप क्यों जा रहे हो, ऐसा हम कई बार कहते हैं। पर आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि आपने लड़ना नहीं है,
आपने जो है प्यार से अगर वो समझते समझा लो, अदरवाइज दिस इज द टाइम वेयर यू शुड एक्चुअली वर्क ऑन योर ओन सेल्फ. कि अगर कोई आपके साथ ना भी हो, अगर कोई आपके साथ प्रेजेंट मतलब फिजिकली प्रेजेंट ना भी हो, तब उस पर्सन की गैर मौजूदगी में भी हम कैसे खुश रह सकते हैं. एक वो सेल्फ केयर की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, एक हीलिंग की यहाँ पर ज़रूरत है. यहाँ पर ये नहीं सोचना कि अरे वो पर्सन मुझे छोड़ के चले गए, उस पर्सन को तो मेरी फिक्र ही नहीं है. नो, ये चीज़ें आपने नहीं सोचनी है. जो उसकी डेस्टिनी है, उस पर्सन ने वहाँ चले ही जाना है, आप उसे रोक नहीं सकते. जाने वाले को कौन रोक सकता है, राइट? तो यहाँ पर जो है आपने अपने आप अकेले कैसे खुश रहा जाए उसके ऊपर फोकस ज़रूर करना है, उसके ऊपर ज़रूर फोकस करना है. वर्क जो है हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा कई बार काम में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं अगर हमारी पर्सनल लाइफ जो है इतनी अच्छी नहीं चल रही. वो एक डिस्ट्रैक्शन है, वर्क फिर एक डिस्ट्रैक्शन हो गया आपके लिए. अकेलापन जो है खाने लग जाता है. फिर यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है लीब्रा कि अकेले रहकर भी खुश रहना है आपने. और वो कैसे रहेंगे? वो ऐसे रहेंगे जब हम अपने लिए कुछ करते हैं, पेंटिंग करें, सिंगिंग करें, बाहर थोड़ा घूमने जाएं, नेचर के करीब रहें, अपने लिए चाय बनाकर अपने साथ जो है टाइम स्पेंड करना. इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत आपके लिए ज़रूरी है लीब्रा इस वीक. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अकेले रहकर भी खुश रहना, इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है आपको. ऑल राइट, सो दिस इज द गाइडेंस एंड दीज आर द मैसेजेस कमिंग फॉर यू लीब्रा फॉर दिस वीक. एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो स्कॉर्पियो, सो दिस इज योर रीडिंग. आपका जो ये वीक है ये कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, बेसिकली करियर? ऑल राइट, सो वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. व्हेन इट कम्स टू योर पेरेंट्स और बेसिकली द पर्सनल लाइफ, सिबलिंग, रोमांटिक लव रिलेशनशिप, ओके, वी हैव द कार्ड पेज ऑफ वॉन्ट्स हियर. व्हेन इट कम्स टू योर health, physical health, mental health, peace, happiness, peace of mind, इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए स्कॉर्पियो? ओके, वी हैव फ्लावर कार्ड. बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. ओके, तो ये जो नाइट ऑफ पेनिकल्स है, इट इज शोइंग योर प्रोफेशनल लाइफ. लॉयल, डेडिकेटेड, प्रोटेक्टिव, एप्रिहेंसिव, प्लान केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन, बट देन get going, pay attention to the details, wait for perfect timing, a guardian angel or someone who watches over you. So this card is here telling you ke this is the time where you should analyze things first and then take a decision. This card is not about let's do it, let's take decision. No, this card wants you to really think about your action, ki baad mein pachtana na pade. इस वजह से इसी वक्त जो है सोचना समझना जरूरी है. ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है बहुत स्लो होता है, तभी यहां पर कहा हुआ है कि केयरफुली आपने जो एक्शन लेने की सोचनी है और जो है उसके बाद एक्शन ले लेना है. गेट गोइंग मतलब फिर चलते ही रहना है. बट यहां पर जो भी आप एक्शन लोगे उसके बारे में सोचना जरूर है. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन. प्रोज एंड कॉन्स गिनना और फ्यूचर के बारे में सोचना, दूरदृष्टा बनना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. इवन सेविंग्स पर भी यहां पर ध्यान देने की बात है, बिकॉज ये पेंटिकल्स की एनर्जी, एंड पेंटिकल्स की एनर्जी अर्थ एनर्जी होती है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी होती है, विच इज अबाउट वर्क, विच इज अबाउट प्रैक्टिकल वर्क, डिटेल ओरिएंटेशन, एंड अबाउट मनी, बिकॉज टॉरस रिप्रेजेंट्स कुटुंब, फैमिली, वेल्थ, एसेट्स. तो उस चीज पर ध्यान देने की आपको जरूरत है इस वीक स्कॉर्पियो. व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, व्हेन इट कम्स टू फैमिली, लव रिलेशनशिप, तो यहाँ पर पेज ऑफ बॉन्ड्स है. कहीं ना कहीं यहाँ पर आप जो हो अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ, अगर इफ यू हैव यंगर सिबलिंग, और अगर आपके दोस्त हैं जिनको आप एज योर यंगर सिबलिंग ट्रीट करते हो, तो उनके साथ जो हो आप कोई चीज प्लान कर सकते हो. उनके साथ जो हो कहीं ना कहीं आपकी मे बी एक लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो, कुछ ना कुछ जो है उनके साथ लंच या डिनर पर बातचीत हो रही है,
कोई न्यू डायरेक्शन जो है, कोई न्यू जगह आप ट्रैवल करने की आप सोच रहे हो, प्लान बना रहे हो अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ, स्पेशली अपने यंग वंस के साथ जो हो आप प्लान बनाते हो, यहाँ पर नजर आ रहे हो इस वीक की हम यहाँ घूमने चलते हैं, हम वहाँ घूमने चलते हैं, पर कोई पास की जगह पर आप जो हो जाना चाहते हो, समहाउ ट्रैवल रिलेटेड जो है यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ऑफकोर्स आपके पेरेंट्स के साथ भी आप ट्रैवल कर सकते हो इस वीक, इसकी भी यहाँ पर हाई चांसेस है, बट स्पेशली पेज रिप्रेजेंट्स यंग एनर्जी, तो कहीं ना कहीं आपके जो यंगर सिबलिंग है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ कोई प्लान बनाना घूमने फिरने का, इस टाइप का कम्युनिकेशन यहाँ पर नजर आ रहा है। लव रिलेशनशिप्स में भी जो है कहीं ना कहीं घूमने फिरने का प्लान बनना, ये चीज़ यहाँ नजर आ रही है। फ्लावर कार्ड, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, यहाँ पर जो है हम कई बार दूसरों को खुश करने में जो है इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें ये याद नहीं रहता कि हमें अपने बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, अपने बारे में भी जो है वो सेल्फ केयर सेल्फ लव भूल ही जाते हैं, वो सब कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, हम बस दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं, पीपल प्लीजिंग में लग जाते हैं। तो इस वीक आपने सेल्फ केयर पर जरूर ध्यान देना है, अपने आप से ऑनेस्ट रहना, क्या ये चीज अगर मैं करता हूं तो मुझे सच में खुशी देता है या मैं दूसरों करके ये चीज कर रहा हूं, इस चीज पर सोचना जरूर है, सोच विचार जरूर करना है, और कहीं ना कहीं आपका मन आपको जवाब दे देगा। तो यहाँ पर सेल्फ केयर पर जो है वो जरूर ध्यान देना है, और आपका जो आप क्या चाहते हो उस चीज पर भी ध्यान देना है, ये नहीं है कि सिचुएशन ऐसी थी तो ऐसा है ये ऐसा ही करना पड़ा, नहीं, आप चाहते क्या, व्हाट डू यू रियली वांट, इस चीज पर भी जो है फोकस करना है, इस चीज के बारे में भी सोचना है, इसकी गाइडेंस है आपके लिए। All right, Scorpio, so this was the reading. These were the messages coming for you for this week, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Sagittarius, so this is your reading. Aapka jo ye week hai in terms of your career, basically job, business, education, ye kaisa rehne wala hai ye week? All right Sagittarius, so we have two of wands here. When it comes to your personal life, family, romantic love relationship, siblings, basically personal life, okay, we have the card, the lovers here. When it comes to your peace of mind, when it comes to your mental health, stability, happiness, physical health, kya guidance aapke liye speak, okay, we have the gold card here. Okay, to yahan par jo hai two of wands ye keh raha hai, taking the next steps, bold and ambitious choices, partnering with others who share your dreams, expanding your plans, continue to move forward. तो ये वाला जो कार्ड है आपके लिए Sagittarius, it is saying that in this week आप जो हो अपनी life में नए आगे की forward movement करो, और कहीं ना कहीं कुछ लोग आप में से जो हो एक नई जगह भी जो हो shift हो जाओ, change of location यहाँ पर थोड़ा नजर आ रहा है, जहां पर आप पहले रहते थे या जिस कंपनी में आप पहले थे आप वहां से shift कर रहे हो, नई कंपनी में जा रहे हो, नई जगह पर जा रहे हो, इट्स लाइक यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, और यहाँ पर चेंज भी आता हुआ नजर आ रहा है। हर टाइम आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं हो सकते, समटाइम यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन, समटाइम यू हैव टू लीव द शेल एंड हैव टू मूव टू अ डिफरेंट प्लेस, और एक डिफरेंट सिचुएशन में आपको मूव करना पड़ सकता है और करना पड़ता है, दिस इज लाइफ राइट। और यहाँ पर जो भी आप चॉइस ले रहे हो काफी बोल्ड है, और आप उस चीज को लेकर काफी एम्बिशियस हो, काफी ज्यादा फोकस्ड हो, आप चाहते हो वो चीज करना, काफी फोकस्ड और काफी ज्यादा मोटिवेटेड आप इस वीक अपने करियर से करियर के बारे में नजर आ रहे हो, करियर से जो भी रिलेटेड आप चीजें कर रहे हो, आप काफी ज्यादा फोकस्ड हो, आप काफी ज्यादा उन चीज को लेकर पैशनेट नजर आ रहे हो, और आप अपनी लाइफ में आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे हो। इन बिजनेस आई शुड से कि ये जो वीक है ये काफी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यू आइडियाज आ रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हो आप अपना बिजनेस, और समहाउ इवन इन एजुकेशन एज वेल आप अपने जो नॉलेज है उसको बढ़ा रहे हो, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। When it comes to your romantic love relationships, और even आपका जो personal life है जिसमें parents भी involved है, जिसमें siblings भी involved है, तो यहाँ पर lovers का है जो कि एक harmony दिखा रहा है, जो एक complete harmony दिखा रहा है, और यहाँ पर जो है there is no conflict as such. अगर कोई conflicts थे, अगर कोई मुश्किलें थी, misunderstanding थी, वो clear होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ पर कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा ऐसा कोई चीज नजर नहीं आ रही है।
यहाँ पर गोल्ड कार्ड है, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू. यहाँ पर आप ऑलरेडी फिक्स्ड हो, आप जो हो सही चल रहे हो अपनी लाइफ में. आपको कोई अपने अंदर इतना ज्यादा स्पीक बदलाव लाने की जरूरत नहीं है. ऑल दो यहाँ करियर में आ रहा है और ऑफकोर्स ये आपकी जो मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी उसको भी अफेक्ट कर रहा है, बट यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है आपके अंदर जो ब्रोकन है. नो, इफ यू फील दैट योर हार्ट इज ब्रोकन, नो इट इज नॉट एनी मोर, इट इज ऑलरेडी फिक्स्ड. इट इज ऑलरेडी फिक्स्ड और आपको कोई और पर्सन नहीं चाहिए उसको फिक्स करने के लिए. आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आपको कोई और पर्सन चाहिए ही नहीं. यू आर सेल्फ सफिशिएंट, यू डोंट नीड एनीवन, यू डोंट नीड एनीवन फॉर हैप्पीनेस और टू प्रोवाइड यू द कंफर्ट. आप अपने आप जो हो सेल्फ सफिशिएंट हो, इंडिपेंडेंट हो. यू डोंट नीड इमोशनल डिपेंडेंसी इन योर लाइफ एंड दैट्स ग्रेट. तो ये चीज आपके लिए आ रही है इस वीक सजिटेरियस. एंड यस, दैट वाज इट. आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो कैप्रिकॉर्न, सो दिस इज योर रीडिंग. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, बेसिकली योर एजुकेशन, योर बिजनेस, जॉब, ये कैसा रहने वाला है. ऑलराइट, सो वी हैव द अवेकनिंग कार्ड. When it comes to your personal life, ये week कैसा है? Family, sibling, romantic love relationship. Okay, we have the King of Pentacles. When it comes to your mental health, stability, happiness, physical health, इसके लिए क्या guidance है? When it comes to your mental health, stability, happiness, इसके लिए क्या guidance है? Okay, we have Lighthouse. ओके, तो यहाँ पर जो अवेकनिंग कार्ड है, इट इज सेइंग अ टेम्पररी पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट एंड अवेकनिंग वेयर यू सी थिंग्स इन अ होल न्यू लाइट. एम्ब्रेस योर ओन यूनिकनेस, चैरिटेबल एक्शंस. तो यहाँ पर आपके लिए करियर वाइज आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा रिफ्लेक्ट बैक करने की ज़रूरत है. जो चीज़ें शायद मुश्किल लगती हैं आपको, उन चीज़ों का ईजी वे आउट है. तो अगर आपको लगता था कि मेरी लाइफ क्या ऐसी ही चलेगी करियर में, इतनी मुश्किलें आएगी, तो नहीं, आप कोई ना कोई वे आउट जरूर निकाल लोगे. और इस वीक इट इज द टाइम टू एक्चुअली रिफ्लेक्ट बैक कैप्रिकॉर्न. दिस इज द टाइम वेयर यू शुड यू नो एम्ब्रेस योर ओन यूनिकनेस, कि आपको दूसरे जैसे लोग काम करते हैं उस तरह से काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप अपने पेस पर भी काम कर सकते हो और अपने एक यूनिक वे में काम कर सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं. यस, शुरू में ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोग आपको क्रिटिसाइज करें, बट लेटर ऑन दे अप्रिशिएट यू, दे विल अप्रिशिएट यू, सो डू नॉट वरी. यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है जो कि शो कर रहा है दैट दिस इज द टाइम टू एंजॉय विद द फैमिली एज वेल. दिस इज नॉट द टाइम वेयर यू शुड वरी अबाउट योर पेरेंट्स हेल्थ, वेयर यू शुड वरी अबाउट द बिल्स, वेयर यू शुड वरी अबाउट यू नो डिफरेंट थिंग्स विच गो ऑन अ मंडेन लाइफ, लाइक गो इन मंडेन लाइफ, कि भाई ये काम करना है, वो काम करना है, घर के जो काम है ये वो ये वो. नो, दिस इज द टाइम वेयर यू शुड एक्चुअली जस्ट बी इन द प्रेजेंट विद योर parents in and with the sibling. It's just not the time where you should worry about the mundane things of life. This week you should actually spend some quality time with your friends or your parents or your sibling. This is the time where you should enjoy with them. ये वो वक्त नहीं है जहाँ पर आपको दिमाग से काम लेना है. नहीं, इस वीक आपको अपने लव रिलेशनशिप्स में जो है दिल से काम लेना है. झुकना भी है ऑफकोर्स, लड़ना नहीं है, झुकना भी है. कुछ अपनी चलानी है, कुछ उनकी करनी है, ये तो चलता ही रहेगा. बट दिस वीक यू आर डेस्टाइन टू एंजॉय योर लाइफ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. दैट कैन बी सीन बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स इज द एनर्जी वेयर सी, जैसे कि किंग के पास यहाँ पर केक है. मे बी किंग ने ये केक बनाया हो और उसके बाद रख दिया हो और फिर उसके बाद वो खाया ही ना हो, एंड लेटर ऑन ही रियलाइज, अरे मैंने केक बनाया था, उसको इंजॉय करने का टाइम आया तो मेरे पास टाइम ही नहीं रहा. सो यहाँ पर जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है ये बता रहा है कि इंजॉय करना है. जो हमारे पास पर्सन ऑलरेडी है, हमारे साथ फिजिकली प्रेजेंट है, ये फेसबुक वाला फ्रेंड या फिर ये ट्विटर वाले फ्रेंड या
इंस्टाग्राम वाले फ्रेंड, उनको छोड़ के जो फिजिकली आपके साथ प्रेजेंट है, उनके साथ टाइम बिताने का वक्त है इस वीक आपके लिए कैप्रिकॉर्न। इंजॉय उनके साथ कर रहे हैं जो आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट है, इसकी गाइडेंस है। लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ, आई एम ऑलवेज इनफ। यहाँ पर गाइडेंस ये है कि यहाँ पर आपने अपने आप को डाउट नहीं करना है, आप लाइट हाउस माइट हाउस ऑलरेडी हो। लाइट हाउस हमेशा लाइट देता है, जो भटक गया होता है उसको लाइट देता है, राइट? तो यहाँ पर जो है, अगर आप अपने आप को ऐसा फील करते हो कि पता नहीं मैं किधर फंस गया हूँ, या फिर आई डोंट नो व्हाट टू डू इन माय लाइफ, बिकम योर ओन लाइट हाउस। यू ऑलरेडी हैव द नॉलेज, यू जस्ट हैव टू यूज इट इन प्रैक्टिकल लाइफ। आपको ऑलरेडी पता है, इट्स द टाइम टू जस्ट यू नो reflect back, it's the time to stop and check what are you really doing in your life, in your career, in your personal life. It's the time to live in present, and that's the guidance for you. All right, Capricorn, so this was the reading. I hope I gave you clarity for this week, and these were the messages, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो एक्वेरियस, सो दिस इज योर रीडिंग। आपका जो वीक है कैसा रहता है इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, एजुकेशन, बेसिकली करियर वाइज ये वीक कैसा है? ओके, वी हैव थ्री ऑफ कप्स हियर। व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, फैमिली, सिबलिंग्स, इवन रोमांटिक लव रिलेशनशिप, ये वीक कैसा है? ओके, वी हैव नाइन ऑफ कप्स हियर। व्हेन इट कम्स टू योर पीस ऑफ माइंड एंड health, happiness, physical health, इसके लिए क्या guidance है? Okay, we have the wings card here. All right, तो यहाँ पर जो ये three of cups है, it is saying news worth celebrating, joyful announcements like engagements, weddings, pregnancy or graduation, a time for gratitude, close communities or chosen families. तो यहाँ पर बिकॉज ये कार्ड आपके करियर के लिए आया, somehow आपके करियर में आपके लिए कोई गुड न्यूज यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। मे बी आपको प्रमोशन मिले, या फिर आप में से कुछ लोग जो जिन्होंने एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आ गया और वो रिजल्ट आपकी फेवर में है, तो उस चीज को सेलिब्रेट करते हो यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओवरऑल जो करियर है, काफी एक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ सिचुएशन ही यहाँ पर आपके लिए नजर आ रही है करियर वाइज, और आप अनाउंस करते हुए नजर आ रहे हो। मे बी आप कोई न्यू प्रोजेक्ट, अगर आप जॉब में हो, स्पेशली वर्किंग इन एमएनसी, तो कोई न्यू प्रोजेक्ट आपके पास आया और उसकी अनाउंसमेंट हो रही है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसकी खुशी मनाई जा रही है, बट समहाउ यहाँ पर सेलिब्रेशन ही नजर आ रहा है, कोई गुड न्यूज आपके लिए आपकी तरफ आ रही है आपके करियर में। नाइन ऑफ कप्स हेयर इज शोइंग योर पर्सनल लाइफ, इट इज शोइंग योर फैमिली लाइफ एज वेल। सो अगर कहीं ना कहीं आपको लगता था कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी फैमिली में, आपके लव रिलेशनशिप्स में हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड दैट इज नाउ रिजॉल्व, देन नो, कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा इशू है जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप इंजॉय कर रहे हो, मजे कर रहे हो, बट यहाँ पर कुछ और भी चीजें हो रही है आपके पीठ पीछे, यहाँ पर चीजें हो सकती है, और समहाउ जो इश्यूज आपको लगता था रिजॉल्व हो गए, वो अभी रिजॉल्व नहीं हुए हैं। वो एक कौन सी लाइन है, वो रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जुड़ने से भी ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो यहाँ पर जो है वही चीज है कि एक बार अगर गांठ पड़ जाती है तो फिर वो, या एक बार जो धागा जो है वो टूट जाता है तो फिर उसको जोड़ने के लिए गांठ लगानी पड़ जाती है, और वो गांठ गांठ ही रह जाती है, वो जो थ्रेड है वो वैसा नहीं रहता है, वो रिलेशन वैसा नहीं रहता है। तो होना तो ये चाहिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही ना, और हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, पर अगर हो जाती है तो बड़ा ही प्यार से डील करने की जरूरत होती है उस रिलेशनशिप को फिर से वैसा बनाने के लिए, पहले जैसा बनाने के लिए। तो इस चीज पर जरूर फोकस करना, इस चीज पर जरूर सोच विचार करना। यहाँ पर विंग्स कार्ड है, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन ना हो हमारी लाइफ में तो हमारा क्या होगा, हमारा तो पता ही नहीं भाई, हमारी तो लाइफ बिल्कुल ही खत्म ही हो जाएगी अगर ये पर्सन हमारे साथ नहीं रहे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने लिए सेल्फ सफिशियंट हो, आपको कोई और नहीं चाहिए, यू डोंट नीड एनी वन सपोर्ट, यू डोंट नीड कि ये पर्सन मेरी लाइफ में हो तो ही मैं खुश हूंगा, नो, दैट्स इमोशनल डिपेंडेंसी,
वी डोंट नीड दैट. जिसकी ये आपके लिए एक तरह से गाइडेंस है इस वीक के लिए कि यू डोंट नीड एनी वन टू बी हैप्पी, यू कैन बी हैप्पी ऑन योर ओन. सो इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि अपने आप को खुश कैसे रखें, वो भी जब हम अकेले हों तब अपने आप को कैसे खुश रखें. लोगों के साथ खुश रहना, एक हंस रहे तो हमें हंसी आ ही जाती है, दो हंस रहे तो और हंसी आती है, तीन लोग हंस रहे तो भी हमें और हंसी आने लगी है. पर अगर वही लोग जो है हम पर हंसें तो हमें बिल्कुल हंसी नहीं आएगी, राइट? तो इट इज ऑल्सो अ लिटिल बेटर टू बी अलोन एंड बी हैप्पी. दैट्स ऑल्सो अ थिंग. ऑफकोर्स दूसरे लोगों के साथ रहना भी अच्छी बात है, ग्रुप के साथ रहना भी अच्छी बात है, खेलना कूदना उनके साथ भी अच्छी बात है, हंसना बोलना अच्छी बात है, बट अकेले रहकर भी खुश रहना वो भी बड़ी बात होती है, वो भी एक जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो आपको अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करने की ज़रूरत है. और ये मैसेज और गाइडेंस है आपके लिए एक्वेरियस. ऑलराइट, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही है एक्वेरियस, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो पाइसीज, सो दिस इज योर रीडिंग. आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, जॉब, एजुकेशन, बिजनेस, ये कैसा रहने वाला है? ओके, वी हैव द फोर ऑफ पेनिकल्स. व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, फैमिली एंड सिबलिंग्स, रोमांटिक लव रिलेशनशिप्स, ये वीक कैसा रहने वाला है? ओके, वी हैव द कार्ड फोर ऑफ वॉन्ड्स हियर. एंड व्हेन इट कम्स टू योर पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, हैप्पीनेस, फिजिकल हेल्थ, यहाँ पर क्या गाइडेंस है? ओके, वी हैव द ग्रे कार्ड हियर. सो फोर ऑफ पेनिकल्स सेइंग managing your resources wisely, extremes in how you give or receive money, time or emotions, smart business decisions, seeing things as black or white, being charitable. तो यहाँ पर generosity पर भी बात है, but if you are in business then this week is really not about के कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए कोई न्यू बिजनेस में. दिस इज द वीक एक्चुअली टू थिंक अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स, कहाँ पर आप मनी लगाना चाहते हो और कहाँ पर नहीं लगाना चाहते हो. इस चीज़ पर सोच विचार करना बहुत आपके लिए ज़रूरी है. ऐसे ही कहीं पैसे नहीं लगाने हैं और अपने रिसोर्सेज जो है काफ़ी वाइजली जो है तरह से मैनेज करने हैं. इन योर एजुकेशन, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि जो एक इम्पॉर्टेंट हमने एक होता है ना कि ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर ज़रूर ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आ सकते हैं. इसके हाई चांसेस है, स्पेशली इफ़ द टेस्ट इज इन दिस वीक. उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रूर जो है टिक मार्क करने, उन्हें अच्छे से लर्न करने, इसकी गाइडेंस है यहाँ पर. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको लगते हैं. और यहाँ पर जॉब काइंड ऑफ सिचुएशंस में जो है आपने डिसीजन ठीक लेने हैं. अगर आप प्रोजेक्ट हेड हो, आपके डिसीजंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. अगर आप किसी एक ग्रुप के हेड हो तो जो भी आपका डिसीजन है, जो आप डिसीजन लोगे वो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करेगा. तो आपने जो भी डिसीजन लेना है काफ़ी सोच समझ कर लेना है. फोर ऑफ वॉन्ड्स हेयर इज सेइंग दैट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग योर पर्सनल लाइफ, जो कि एक सेलिब्रेशन नज़र आ रही है. फोर ऑफ वॉन्ड्स हेयर इज रिप्रेजेंटिंग मंडप, मैरिज, सेलिब्रेशन. तो यहाँ पर ऑफकोर्स आपकी फैमिली में किसी की मैरिज हो सकती है या फिर समहाउ कोई ना कोई सेलिब्रेशन यहाँ पर नजर आ रही है. इवन बर्थडेज जो है वो नजर आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में अपने लव्ड वंस के साथ. ग्रे कार्ड यहाँ पर एंडिंग्स आर इनएविटेबल दिखा रहा है, जो कि आपके लिए गाइडेंस भी है पीस ऑफ माइंड के लिए. कई बार जो है कुछ चीज़ों को एंड करना बेटर रहता है, क्योंकि कुछ रिलेशंस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, तो उनको लेट गो करना ज़रूरी है. और एंडिंग्स जो है ऑफकोर्स इनएविटेबल है, और एंडिंग्स का मतलब सच में एंडिंग नहीं है. इट्स अबाउट के ऑफकोर्स दैट पर्सन इज नॉट डाइंग, और इवन इफ समबडी डाइज तो सिर्फ उसकी बॉडी जो है वो आत्मा बॉडी छोड़ रही है. आत्मा अजर अमर है, वो स्टिल आत्मा जो है हमें किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी बॉडी में हमें दिखेगी फिर से, क्योंकि हमारे कार्मिक कनेक्शंस इतने स्ट्रांग है कि हम एक ही जन्म में उनको उतार नहीं पाते, उन कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को, कनेक्शंस को. सो एंडिंग्स जो है
एक तरह से एक न्यू शुरुआत है, एक नई शुरुआत है। सो यहाँ पर ऑफकोर्स कुछ चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ में एंड भी हो सकते हैं, इसके भी हाई चांसेस हैं, और लेट गो करने की यहाँ ज़रूरत है, इसकी गाइडेंस है। अदरवाइज कुछ रिलेशंस बहुत ज़्यादा तंग करते, तकलीफ देते हैं, तो उनको बाय बाय करना भी ज़रूरी है। ऑल राइट, तो ये आपके लिए गाइडेंस भी है एक्वेरियस, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।